हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गेमिंग कंपेयर करेंगे Realme X2 को सैमसंग गैलेक्सी M30s से और देखेंगे कि हमें कौन सा फ़ोन में बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि Realme X2 को सैमसंग गैलेक्सी M30s से गेमिंग कंपेयर कीजिए, सो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तभी उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों फ़ोन में पबजी खेलेंगे स्मूथ ग्राफिक्स और एक्सट्रीम सेटिंग पर, और उसके बाद देखेंगे कि कौन से फ़ोन में हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और दोस्तों, सबसे पहले हम Realme X2 में खेलेंगे और उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी M30s में खेलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि कौन सा फ़ोन बेस्ट परफॉर्मेंस करता है पबजी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि कौन सा फ़ोन आपको बेस्ट परफॉर्म करता है पबजी मोबाइल में, और एंड में आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, Realme X2 या फिर सैमसंग गैलेक्सी M30s। गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम Realme X2 में प्ले करते हैं। दोस्तों, Realme X2 में हमें आउट ऑफ द बॉक्स स्मूथ सेटिंग पर अल्ट्रा सेटिंग देखने को मिलती है, और दोस्तों HD तक सेटिंग आपको देखने को मिलती है। आप इसमें HDR में प्ले नहीं कर सकते हो। अगर आप इसमें GFX टूल का इस्तेमाल करोगे तो शायद आप खेल सकते हो। दोस्तों, अगर Realme X2 की CPU की बात करें तो दोस्तों इसमें हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 730G, जो कि एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, और दोस्तों ये एक गेमिंग प्रोसेसर है। दोस्तों, यह एक ओक्टा कोर CPU है। इसमें आपको 8 कोर देखने को मिलते हैं, जिनमें से 2 हाई परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है, जो कि 2.3 GHz कैरो 470 गोल्ड पर रन करते हैं, और 6 एनर्जी एफिशिएंट कोर देखने को मिलता है, जो कि 1.8 GHz कैरो 470 सिल्वर पर रन करते हैं। और दोस्तों, ये एक काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है डेली लाइफ में। लेकिन दोस्तों, अगर सैमसंग गैलेक्सी M30s की बात करें तो दोस्तों इसमें हमें मिलता है सैमसंग का ही एक्सिनोस का 9611, जो कि एक काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, और ये भी एक गेमिंग प्रोसेसर है। दोस्तों, ये भी एक ओक्टा कोर CPU है, और इसमें हमें 8 कोर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको 4 हाई परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं, और यही गेम चेंजर है, जो कि 2.3 GHz कोर्टेक्स A76 पर रन करते हैं, और इसमें आपको 4 एनर्जी एफिशिएंट कोर देखने को मिलती है, जो कि 1.8 GHz कोर्टेक्स A56 पर रन करते हैं। दोस्तों, 4 हाई परफॉर्मेंस कोर की वजह से इस फ़ोन का काफ़ी गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अलग हो जाता है। और दोस्तों, अगर दोनों फ़ोन की बैटरी की बात करें तो दोस्तों Realme X2 में हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 30W तक के फास्ट चार्जर के साथ आता है। वहीं दोस्तों, अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। वहीं दोस्तों, अगर सैमसंग गैलेक्सी M30s की बात करें तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और 15W के चार्जर के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स। और दोस्तों, अगर इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो दोस्तों ये लगभग 90 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी थोड़ा लेट चार्ज होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 6000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों दोनों फ़ोन में आपको लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों स्नैपड्रैगन 730G सैमसंग एक्सिनोस से थोड़ा फास्ट है। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M30s में आप स्मूथ ग्राफिक्स पर एक्सट्रीम सेटिंग पर खेल सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स। वहीं दोस्तों, Realme X3 में आपको अल्ट्रा सेटिंग तक ही देखने को मिलती है। और दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M30s में आपको एक और एडवांटेज देखने को मिलते हैं। इसमें आप HDR में गेम को प्ले कर सकते हो, वो भी अल्ट्रा सेटिंग में। और वहीं दोस्तों, Realme X2 में आप HD तक ही गेम को खेल सकते हो, वो भी हाई सेटिंग में। और ये Realme X2 का बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ग्राफिक्स टूल का यूज करोगे तो आप खेल सकते हो स्मूथ पर एक्सट्रीम सेटिंग में और HDR में भी। लेकिन दोस्तों, Realme X2 में आपको थोड़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलती है, जैसे कि 64 MP का हाई रेजोल्यूशन कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आप दोस्तों इन सब चीज़ों को लेना चाहते हैं तो आप Realme X2 को ले सकते हो, वरना दोस्तों अगर आप सिर्फ गेम खेलने के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप सैमसंग गैलेक्सी M30s के तरफ जाइए, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको बहुत ही बड़ी 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तभी इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।